पूर्वी सिंहभूम जिला में हाथियों की मूवमेंट की नज़र रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए DFO का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कोल्हान के सारे DFO के साथ साथ पड़ोसी राज्य उड़ीसा के DFO को शामिल किया गया है। इसमें करीब 34 अधिकारी लोग शामिल हैं। इस संबंध में जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने बताया कि हाथियों के मूवमेंट में पहले जानकारी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और जब होती थी तब तक हाथियों के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया जाता था। इस कारण एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका नाम इंटर स्टेट एलिफेंट ग्रुप रखा गया है, जिसमें पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मयूरभंज रायरंगपुर के DFO रेंजर सहित कोल्हान के सभी DFO और रेंजर को रखा गया है, जिसमें हाथियों की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। अगर झारखंड में हाथियों का झुंड प्रवेश करता है तो हाथियों के इस मूवमेंट की जानकारी उड़ीसा के DFO ग्रुप में दे देते हैं, और उस सूचना के माध्यम से हाथियों के आने जाने वाले रास्ते में लोगों को सतर्क कर दिया जाता है, जिससे नुकसान कम होने की संभावना रहती है। हालांकि इस ग्रुप में बंगाल के कोई भी DFO या अधिकारी वन विभाग के शामिल नहीं हैं, और उन्हें शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इतना कि अभी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है एलिफेंट मूवमेंट रिलेटेड टू एलिफेंट मूवमेंट, जिसमें DFOs भी ग्रुप में हैं और रेंज ऑफिसर्स भी ग्रुप में हैं। तो उड़ीसा के बॉर्डरिंग एरियाज में, जैसे आपका बारीपदा हो गया या और भी जो एरियाज हैं, इवन हमारे झारखंड के जो बॉर्डरिंग एरियाज मुसाबनी हो गया या चकुलिया हो गया, सभी के रेंज ऑफिसर्स इस व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच्ड हैं, मतलब जोड़े गए हैं। और उसमें जब भी मूवमेंट होता है तो एक अलर्ट दे दिया जाता है, लोकेशन दे दिया जाता है कि एलिफेंट का लोकेशन अभी ये है, ताकि आगे जो मूवमेंट होगा उसमें लोग अलर्ट हो जाए। इस तरह व्हाट्सएप के ग्रुप में अभी बंगाल की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमें कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से भी मिलेगा।